हेलो एवरीवन, मेरा नाम जे एस मल्होत्रा है। और बच्चों, आज की जो क्लास है ना, वो हम लोग टैक्स रेट्स के लिए डिस्कस करेंगे। ठीक है बच्चों, पिछली क्लास में हम लोगों ने प्रीवियस ईयर असेसमेंट ईयर का कॉन्सेप्ट पढ़ा था। मैंने आपको बताया था प्रीवियस ईयर क्या होता है और असेसमेंट ईयर क्या होता है ना। प्रीवियस ईयर एंड असेसमेंट ईयर। तो बच्चों बताओ, प्रीवियस ईयर के बारे में क्या बताया था? प्रीवियस ईयर वो ईयर है जिस ईयर में आप इनकम कमाते हैं, तो हम इसको क्या बोल सकते हैं? इनकम ईयर। क्या बोलते हैं? इनकम ईयर। और इस इनकम को शो कब करते हैं? नेक्स्ट ईयर में, जिसको हम लोग बोलते हैं असेसमेंट ईयर। तो बेसिकली हम इसको यूएस लैंग्वेज में टैक्स ईयर बोलते हैं। तो हम लोग यूएस की लैंग्वेज अगर यूज करें तो इनकम ईयर, टैक्स ईयर। तो प्रीवियस ईयर जो होता है, फॉर एग्जाम्पल अगर 2018-19 है बच्चों, तो असेसमेंट ईयर कौन सा होगा? अगले वाला साल 1920। तो बच्चों, अगर मैं प्रीवियस ईयर 1/4/2018 से लेकर 31 मार्च 2019 तक पैसा कुछ कमाता हूं, तो उस पूरे साल की इनकम पर टैक्स 19-20 में देता हूं। बट एक्चुअल में क्या टैक्स 19-20 में ही जाता है? तो मैं सच्चाई बताऊं तो ऐसा नहीं है। आज के टाइम पर गवर्नमेंट ने जो प्रोसेस बनाया है, वो बनाया है टीडीएस का और बच्चों एडवांस टैक्स का। टीडीएस का और एडवांस टैक्स का। ये टीडीएस क्या चीज है सर? टीडीएस का मतलब है बच्चों टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। इसका मतलब हुआ, तो वो जो इनकम देगा, वो पर्सन इनकम पे टीडीएस काट के देगा। तो फॉर एग्जाम्पल, आज आप कहीं जॉब करते हो बच्चों, ये देखो ये आप हो, आप कौन हो? इंप्लॉई हो। एक पर्सन है इंप्लॉयर, ये इंप्लॉयर है। तो इंप्लॉयर इंप्लॉई को जब सैलरी देगा ना बच्चों, सैलरी देगा, मान लो सैलरी है 50,000 पर मंथ की, तो जो 50,000 पर मंथ यानी साल की 6 लाख रुपए की सैलरी है बच्चों, इस पर टैक्स निकल के आया। मान लो अभी हम लोग टैक्स, आज टैक्स की कैलकुलेशन सीखेंगे बच्चों, टैक्स के रेट सीखेंगे। ठीक है, टैक्स फॉर एग्जांपल आया मान लो 48,000। तो मैं इसको डिवाइड कर दूंगा 12 महीने में और मेरे 1 महीने का टैक्स आ जाएगा। कितना आ गया? 4,000। तो वो क्या करेगा इंप्लॉयर की, ठीक है यार, आपका साल का 48,000 तो बनता ही है, मैं हर महीने का एक टैक्स आपसे डिडक्ट कर लेता हूं और आपकी सैलरी का 46,000 आपको दे देता हूं। इंप्लॉई कहेगा सर मुझे क्या टैक्स जमा कराना पड़ेगा? तो आप क्या बोलोगे? नहीं सर, सैलरी इनकम पर तो आपको कोई टैक्स जमा नहीं कराना, इसके अलावा आपकी कोई और इनकम हो तो आपको टैक्स जरूर जमा कराना पड़ेगा। हाँ, इंप्लॉई को आईटीआर जरूर फाइल करनी होगी। क्या फाइल करनी होगी? आईटीआर। तो बच्चों जब वो आईटीआर फाइल करेगा तो उसमें वो किस साल की इनकम दिखाएगा? पिछले साल। बच्चों जब वो प्रीवियस ईयर की इनकम दिखाएगा तो मतलब क्या हुआ कि इनकम टैक्स ऑफिसर आपकी असेसमेंट कब कर रहा है? नेक्स्ट ईयर में। किस साल की इनकम शो करता है? प्रीवियस ईयर की इनकम शो करता है। मेरी बात समझ में आ गई बच्चों? तो 1920 अगर आपका असेसमेंट ईयर है, इसका मतलब है आईटीआर फाइल करोगे। आईटीआर फाइल करोगे कब? 1920 में। तो आप किस साल की इनकम को दिखाओगे? 1819 की, यानी 1/4/2018 से लेकर 31 मार्च 2019 तक। तो आप लोगों ने इस पीरियड पे जो इनकम कमाई होगी ना बच्चों, उसको आप अपनी रिटर्न के अंदर दिखाओ। इज दैट क्लियर बच्चों? समझ में आता है? सिंपल सी बात है। तो देखो अब सर, इसकी कौन सी डेट होती है? ये वैसे मैंने पिछली क्लास में बताया था, 31 जुलाई, 30 सितंबर। तो ये मेजर डेट्स होती हैं जिसमें बहुत सारे गवर्नमेंट चेंजेस करती रहती है। कई बार कोई फॉर्म में कुछ चेंजेस आ गए, अमेंडमेंट्स आ गए, इस वजह से कभी ना कभी कोई ना कोई प्रॉब्लम। जैसे अब ये लॉकडाउन हो गया, तो इस लॉकडाउन की वजह से 31 जुलाई की डेट हट गई। तो क्या है, वैसे जो गवर्नमेंट ने डेट दी हुई है वो 31 जुलाई है। किसके लिए? इंडिविजुअल्स के लिए। और 30 सितंबर है उनके लिए जिनकी जो जिनके बिजनेसेस की ऑडिट मैंडेटरी है, या फिर वो कंपनीज हैं।
कंपनीज फॉर्म जिनकी ऑडिट मैंडेटरी है, सिंपल। तो 30th September उनका टाइम दे दिया गया। समझ में आ गया बच्चों? तो हम लोग असेसमेंट ईयर में रिटर्न भरते हैं, पिछले साल की इनकम दिखाते हैं, इसलिए प्रीवियस ईयर को हम बोलते हैं इनकम ईयर और असेसमेंट ईयर को हम बोलते हैं टैक्स ईयर। ये बात समझ में आ गई है? आगे बहुत काम आने वाली है। इज दैट क्लियर? आपको याद है पिछली क्लास में मैंने आपको प्रीवियस ईयर असेसमेंट ईयर कराया है ना? मैंने आपको पिछली क्लास में चार डेफिनेशंस करवाई थी, असेसी, असेसमेंट शायद नहीं करवाया था, मैं लिख देता हूं। असेसमेंट का मतलब क्या हो गया? कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स। सर ये भी कराया था, हाँ कराया था, लेक्चर टू। हाँ करवाया था आपको, तो असेसमेंट भी बताया था। इसके अलावा एक हो गया असेसमेंट ईयर और एक हो गया असेसिंग ऑफिसर। चार हो गए एसएससी वाले, याद कर लो, चार हो गए, आपको हमेशा यूज करने हैं। आगे की क्लासेस अभी तो स्टार्ट हुई है, चार हो गए टॉपिक। फिर से असेसी, असेसमेंट ईयर, असेसिंग ऑफिसर, असेसमेंट। असेसमेंट मतलब टैक्स को कंप्यूट करना, असेसिंग ऑफिसर वो ऑफिसर है जो आपका टैक्स कैलकुलेट करेगा, असेसी वो है जिसकी पर्सन हु इज लायबल टू पे टैक्स, और एक हो गया असेसमेंट ईयर जिस ईयर में हम असेसमेंट करवाते हैं इनकम टैक्स ऑफिसर से। सर असेसिंग ऑफिसर कौन होते हैं? तो मैंने आपको बताया था असेसिंग ऑफिसर कौन होते हैं, या तो ITO हो सकता है अगर उससे ना हो पाए तो, ACDC अगर उससे भी ना हो पाए तो JC। सर जॉइंट कमिश्नर अगर गलत बता देता है कि सर यही है आपका आंसर, तो फिर आपको मानना पड़ेगा। अरे रही भाई, मैं जाऊंगा, मैं कोर्ट जा सकता हूं, बट कोर्ट जाने से पहले आपको सबसे पहले कमिश्नर अपील्स के पास जाना है। कमिश्नर अपील से केस हार जाओ तो ITAT, इनकम टैक्स एपेलेट ट्रिब्यूनल। अगर उससे केस हार जाओ तो हाईकोर्ट, हाईकोर्ट से केस हार जाओ तो सुप्रीम कोर्ट से केस हार जाओ तो घर। याद आया? ये चीज दिमाग में याद आ जाती है, वहां पे घर नहीं लिखना नलायकों, घर नहीं लिखना वहां पर, ठीक है? ये सिर्फ नॉलेज के लिए था, ठीक है बच्चों? तो ये हमारा आज जो मैंने अभी मैं करवा रहा हूँ, ये तो वही हो गया जो पुराना टॉपिक से रिलेटेड था। चलो अब ना हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, अब हम डिस्कस करने वाले हैं टैक्स रेट्स। क्या डिस्कस करने वाले हैं? टैक्स रेट्स। एज पर फाइनेंस एक्ट 2020, तो ये उन बच्चों के लिए एप्लीकेबल हो जाता है जो मई जून 2021 में एग्जाम दे रहे हैं या फिर नवंबर दिसंबर 2021 में एग्जाम दे रहे हैं। यानी आप लोगों के लिए अगले साल में जो 2021 में एग्जाम देंगे, 2021 में जिनके एग्जाम्स होंगे उनके लिए रेलेवेंट है फाइनेंस एक्ट 2020। तो बच्चों जब मैं बोलता हूँ ना फाइनेंस एक्ट, तो आपको एक बात याद रखनी है, फाइनेंस एक्ट और इनकम टैक्स एक्ट ये दो अलग अलग एक्ट है सर, बिल्कुल अलग अलग है बेटा। बेटा इनकम टैक्स एक्ट तो एक बार ही बन गया, उसमें तो अमेंडमेंट्स आते हैं, वो जो अमेंडमेंट्स आते हैं ना वो फाइनेंस एक्ट के थ्रू आते हैं। बहुत बड़ी बात कह दी मैंने, फिर से सुनो ध्यान से, मैंने बोला इनकम टैक्स एक्ट तो एक बारी बन गया, इसके अंदर जो चेंजेस आते हैं, जो अमेंडमेंट्स आते हैं, वो फाइनेंस एक्ट के थ्रू आते हैं। फाइनेंस एक्ट कौन अनाउंस करता है? आर फाइनेंस मिनिस्टर, जो भी करंटली फाइनेंस मिनिस्टर होंगे ना वो फाइनेंस एक्ट अनाउंस करते हैं। अब बच्चों सवाल ये होता है कि सर फाइनेंस एक्ट जो होता है वो कब अनाउंस होता है? तो बेटा जनरली फरवरी के फर्स्ट वीक में, देखो पहले फरवरी एंड होता था फिर फरवरी फर्स्ट वीक स्टार्ट किया, तो फरवरी मंथ में बेसिकली फाइनेंस एक्ट को अनाउंस कर दिया जाता है। फरवरी मंथ इनका फेवरेट होता है क्योंकि उनको वो फाइनेंस एक्ट लॉन्च करना होता है अप्रैल में, और मार्च का ये लोग टाइम रखते हैं कुछ और चेंजेस करने के लिए, जो भी फाइनेंस मिनिस्टर ने बोला उनके ऊपर एग्जीक्यूट करने के लिए, तो कुछ एग्जीक्यूशन के ऊपर प्लान करने के लिए मार्च मंथ में वो ध्यान देते हैं। इसलिए फरवरी मंथ में अनाउंस करते हैं, मार्च का मंथ वेकेंट रखते हैं, अप्रैल मंथ में वो एप्लीकेबल करना होता है। टैक्स रेट्स हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बच्चों, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। टैक्स रेट्स एज पर फाइनेंस एक्ट 2020, जो कि इसका मतलब क्या होता है, असेसमेंट ईयर 2021-22। ध्यान से सुनना,
प्रीवियस ईयर 2020-21, मैंने आपको हमेशा बताया ना असेसमेंट ईयर जो होता है वो हमेशा नेक्स्ट ईयर होता है प्रीवियस ईयर, या मैं ऐसे बोलूं प्रीवियस ईयर असेसमेंट ईयर से इमीडिएटली प्रीसीडिंग ईयर होता है बच्चों। तो अगर मैं कहता हूं प्रीवियस ईयर 2021, इट मींस कि मेरी जो कमाई होगी 1/4/2020 से लेकर 31 मार्च 2021 तक, इस पूरे पीरियड में जो मेरी कमाई होगी ना, उस कमाई की असेसमेंट होगी 21/22 में, यानी इसकी आईटीआर फाइलिंग मैं 21/22 में करूंगा। इज दैट क्लियर बच्चों? तो आईटीआर फाइलिंग जो हम बात कर रहे थे 21/22 ईयर जो असेसमेंट ईयर होता है, आईटीआर फाइलिंग वाला ईयर होता है, यानी 20/21 की जो मैं इनकम शो करूंगा वो 21/22 में शो करूंगा 31 जुलाई 2021 को, या फिर जिनकी कंपनीज की ऑडिट होनी है 30 सितंबर 2021 को। मैंने आपको बताया था आईटीआर की ड्यू डेट्स क्या होती हैं, 31 जुलाई, आईटीआर की ड्यू डेट्स 31 जुलाई या 30 सितंबर ऑफ द असेसमेंट ईयर 31 जुलाई उनके लिए, जिनकी ऑडिट मैंडेटरी नहीं है इंडिविजुअल्स, और 30 सितंबर उनके लिए जिनकी ऑडिट मैंडेटरी है। सर किसकी ऑडिट मैंडेटरी है किसकी नहीं वो मैं बताऊंगा आगे आने वाली क्लासेस में, चिंता नहीं करनी, सब कुछ पढ़ना है, बट अभी इनिशियल क्लासेस में इतनी सारी एक्सपेक्टेशन नहीं करते कि सब कुछ बता दो एक साथ, नहीं हो सकता। तो हम लोग धीरे धीरे करके पढ़ेंगे, बट मजे से पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, सारी चीजें कवर करेंगे, ठीक है। अब यहां पे देखो टैक्स रेट्स एज पर फाइनेंस एक्ट असेसमेंट ईयर 21/22 प्रीवियस ईयर 20/21, बहुत ही बढ़िया बेटा, बहुत ही अच्छे से जानते हो आप लोग, मजा ही आ गया। तो सर आईटीआर वाली बात समझ में आ गई है आप लोगों को। अब यहां पर हम लोगों ने एक बात और समझनी है सर, हम लोगों ने सुना है टैक्स रेट्स में बहुत चेंजेस आ गए, तो मैं आपको बता दूं जो टैक्स रेट्स में जो लोग चेंजेस बता रहे हैं कि चेंजेस आ गए, तो बच्चों गलत बता रहे हैं। पिछले साल से इस साल में टैक्स रेट्स में ऐसे कोई खास चेंज नहीं आए। तो आप भी लोगों को बताओ, क्योंकि जो बता रहे होंगे शायद वो लोग जानते नहीं होंगे इतने अच्छे से, तो आप लोग बताओगे कि पिछले साल से इस साल में टैक्स रेट्स में कोई चेंजेस नहीं आए, जो पहले थे वही आ जाएं, सिर्फ एक नई चीज ऐड हुई है जिसको ऑप्शनल बोला गया है। क्या बोला गया है? ऑप्शनल। इट मींस पुरानी वाली चीज एप्लीकेबल है, साइमल्टेनियसली एक आपको ऑप्शन दिया जा रहा है नए रेट्स के लिए, उस रेट को एप्लीकेबल करने के लिए आपको कुछ नुकसान उठाने पड़ेंगे, कुछ ऐसी एग्जेम्पशंस होती हैं जो आपको नहीं मिलेंगी, कुछ ऐसी डिडक्शंस होती हैं जो आपको नहीं मिलेंगी, उन सब चीजों पे ऑप्शन बनाया गया। तो ठीक है, गवर्नमेंट क्लियर है, गवर्नमेंट कहता है कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता, तो वो टैक्स रेट्स ऐसे बनाए कि जहां पर आपको फायदा होगा, बट फिर दूसरी तरफ से एक नुकसान ये करवा दिया, आपको डिडक्शन नहीं मिलेगी, एग्जेम्पशन नहीं मिलेगी, बहुत सारी फलाना निमकाना वाली बातें, वो हम लोग बाद में पढ़ेंगे। आज की क्लास के अंदर हम लोग टैक्स रेट डिस्कस कर रहे हैं, बट ऑप्शन वाली बात शायद आज डिस्कस ना हो सके, वो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है बच्चों। तो टैक्स रेट्स एज पर फाइनेंस एक्ट 2020 जो है वो वही रेट्स हैं जो हम लोगों ने फाइनेंस एक्ट 19 के लिए पढ़ा था, और आपको तो पता ही है बच्चों टैक्स रेट्स जो होते हैं हमारे देश में दो तरह के होते हैं। अच्छा, एक होते हैं स्लैब रेट और एक होते हैं फ्लैट रेट्स। हमारे देश में स्लैब रेट भी है, फ्लैट रेट भी है। कुछ देश ऐसे हैं जहां पे सिर्फ फ्लैट रेट लगता है, कुछ देश ऐसे हैं जैसे जिसमें जहां पे स्लैब रेट लगता है, फ्लैट रेट लगता ही नहीं। हमारे देश में दोनों चीजें, हमारे देश में कोई कमी नहीं छोड़ी गई, हर चीज लगाएंगे भाई, स्लैब रेट भी लगाएंगे, फ्लैट रेट्स भी लगाएंगे, इनकम टैक्स, ठीक है बच्चों। तो बेसिकली व्हाट इज स्लैब रेट? स्लैब रेट्स का मतलब हो गया जहां पे आपको एक लिमिट दी जाएगी कि इस लिमिट तक इतना टैक्स, इस लिमिट तक इतना टैक्स, इस लिमिट तक इतना टैक्स, तो यानी लिमिट इंक्रीज करते जाएंगे टैक्स बढ़ता जाएगा। याद है प्रोग्रेसिव कॉन्सेप्ट हमने क्या पढ़ा था? प्रोग्रेसिव का मतलब जितनी ज्यादा इनकम उतना ही ज्यादा टैक्स, जितनी कम इनकम उतना ही कम टैक्स। इज दैट क्लियर बच्चों? फ्लैट रेट्स, अगर मैं बात करोगे फ्लैट रेट्स की, तो फ्लैट रेट वो रेट हो गया जो उस इनकम पे लगेगा डायरेक्ट, बिना ये देखे कि स्लैब की लिमिट क्या है, उसको हम लोग फ्लैट रेट बोलते हैं, वहां पे स्लैब लिमिट नहीं होती। इज दैट क्लियर? अब किसके लिए क्या है एप्लीकेबल वो हम लोग डिस्कस करेंगे, वो आज ही डिस्कस करेंगे।
इसको समझने से पहले कि किसके ऊपर स्लैब रेट लगता है और किसके ऊपर फ्लैट रेट, आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन पढ़नी पड़ेगी। बच्चों याद है मैंने बताया था इनकम टैक्स एक्ट में कितने सेक्शंस हैं? सेक्शंस हैं 298। कितने सेक्शंस हैं? 298। और आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि हर कानून में सेक्शन 2 जो होता है वो क्या होता है? डेफिनेशंस होता है। क्या होता है? डेफिनेशंस। तो बेसिकली डेफिनेशंस आपको सेक्शन 2 में मिलेंगे। ओके सर, ये तो बड़ा मजा आ गया। टैक्स रेट्स स्लैब रेट होते हैं, फ्लैट रेट होते हैं। टैक्स रेट्स के लिए मुझे एक डेफिनेशन पढ़नी है, जो मैं कहां से पढ़ूंगा? सेक्शन 2 से पढ़ूंगा। ओके सर, सेक्शन 2 क्लॉज 31 हम पढ़ने जा रहे हैं। पर्सन, आज से अभी से आपको कुछ सेक्शन याद कराने स्टार्ट कर देने हैं भाई। तो बेटा मैं ये चाहूंगा, तो चाहे एग्जामिनर की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है सेक्शन डालने की, बट मैं ऐसा हूं कि आपको सेक्शन याद करा के ही रहूंगा। इसका रीजन है, देखो आप फाइनल लेवल पे जब जाओगे या प्रोफेशनल लेवल पे जब आप जाओगे तो आपको वहां पर तो सेक्शन पता होने चाहिए। तो कुछ ऐसे सेक्शन होंगे जो हम लोग डेली यूज करेंगे, जो हम लोग टॉपिक से रिलेटेड करेंगे, तो उसके कुछ सेक्शंस में आपको बोलूंगा याद करने के लिए, वो याद जरूर करना, उसके बिना काम नहीं बनना। और याद हो जाएंगे बच्चों, जब हम बार बार रिपीट करेंगे ना क्लास के अंदर, तो बिल्कुल याद हो जाएगा। डरना नहीं है, घबराना नहीं है। ऐसा क्लियर? सेक्शन 2 क्लॉज 31 पर्सन है, ऐसे ही क्लॉज 1, 2, 3, 4 बहुत कुछ है, बट हम लोग सीधा पर्सन इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि उसका टॉपिक का रिलेशन इसके साथ है। जहां जहां डेफिनेशन आती जाएंगी वहां वहां उसकी डेफिनेशन पर्टिकुलरली पढ़ेंगे, बट इनकम टैक्स एक्ट की इंट्रोडक्शन में ही कुछ डेफिनेशन हम लोग पढ़ लेंगे जो एग्जाम में डायरेक्ट आ जाती है। बच्चों ये एग्जाम में डायरेक्ट आती है। डिफाइन पर्सन, नाउ डिफाइन पर्सन मींस यू हैव टू गिव डेफिनेशन, नॉट मीनिंग। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन डेफिनेशन एंड मीनिंग। मीनिंग का मतलब है आप उसको एक्सप्लेन कर रहे हो इन योर वर्ड्स, इन योर टर्म्स, आप अपने वर्ड्स में एक्सप्लेन कर रहे हो, वो मीनिंग होता है समझना। जबकि डेफिनेशन का मतलब होता है गिव द डेफिनेशन। डिफाइन मतलब गिव द डेफिनेशन as per income tax act, and as per income tax act section 2 clause 31 person includes, likhna start karenge bachcho, an individual a Hindu undivided family company firm association of persons, यानी मैं शॉर्ट में बोल सकता हूं AOP, और body of individuals मैं शॉर्ट में बोल सकता हूं BOI, लोकल अथॉरिटी एवरी अदर आर्टिफिशियल ज्यूरिडिकल पर्सन। नाउ सर ये तो बहुत लंबी चौड़ी डेफिनेशन है सर, याद कैसे होगी? बड़ी यार तुम तो डफर बंदे हो यार, याद तो करना ही है, ऑप्शन ही नहीं है ना हमारे पास। ऑप्शन हो तो मैं बताऊं, याद तो करना ही है, तो आप मुझसे पूछ ही क्यों रहे हो? याद तो करना ही है। तो याद करने का मतलब ये है कि आज ही याद करेंगे, अभी याद करेंगे क्लास के बाद, हाँ याद करेंगे और हमेशा याद रखेंगे। सर जब चीजें देखो, कोई भी लॉयर है ना, लॉयर आज किसी लॉयर की बात करें, वकील की बात करें, कि जो वकील है उसको सारे सेक्शन पता होते, गलत, उसको सारे सेक्शन बिल्कुल भी नहीं पता होते। तो सर कैसे नहीं पता होते? सारे पता होते होंगे तभी तो वो एडवोकेट बना है। ऐसा नहीं है बच्चों, एक्चुअल में पढ़ा उसने सब कुछ है, सेक्शंस भी उसने उस टाइम पे पढ़े होंगे तभी वो एग्जाम क्लियर करके आया। बट अगर मैं एक एडवोकेट या चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी, कॉस्ट अकाउंटेंट, मैं किसी की भी बात करूँ, इन डिग्रीज की बात करूँ,
तो ये डिग्री लेने के बाद लोगों को सिर्फ अपने प्रोफेशन से रिलेटेड सेक्शन याद रहते हैं। अब एक सिंपल सी बात है, मैं CMA हूँ, मैंने पढ़ाई तो सब कुछ की है, लॉ भी पढ़ा है, टैक्स भी पढ़ा है, हर चीज़ पढ़ी है, बट मुझे टैक्स के सारे सेक्शंस पता है, बहुत सारे पता है, बट बहुत सारे लॉ कहें मुझे नहीं पता होंगे, याद नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? क्यों नहीं होंगे? क्योंकि मेरा वो प्रोफेशन नहीं है। बहुत सिंपल सा लॉजिक है। अगर एक एडवोकेट आज क्रिमिनल लॉयर है तो वो IPC की सारी धाराएं पता होंगी उसको, IPC की सारी धाराएं पता होंगी, पर अगर आप उससे कंपनीज एक्ट पूछ लोगे तो शायद वो अच्छे से जवाब नहीं दे पाए। तो एग्जैक्टली बच्चों, फ्यूचर में जब आप प्रोफेशनल डिग्री ले लोगे ना, तो आप लोगों की कोई एक ही लाइन होगी, चाहे चाहे आप अकाउंटिंग लाइन में चले जाओ, हो सकता है आप लीगल लाइन में चले जाओ, चाहे आप टैक्सेशन लाइन में चले जाओ, जिस लाइन में होगे आपको उस लाइन के सेक्शन याद करने होंगे और वो आपको हमेशा डेली रूटीन में याद हो जाएगा। मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ, जब हम लोग ये चीज़, अब मान के चलो ये आपका प्रोफेशन है, आपको पढ़ना है, आपको डेली रूटीन में सेक्शंस को याद करना, ये डेली रूटीन होगी। चलो सर ने क्या पढ़ाया था, अरे हाँ यार सेक्शन 2 क्लॉज 13 याद करना। अब इसमें लिखा क्या है, बहुत सिंपल है यार, ये वो पर्सन है जिनको इनकम टैक्स पे करना है। कौन है वो लोग? इंडिविजुअल, आप मैं हम सब इंडिविजुअल है। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली सब लोग जानते हैं, HUF, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, जिसमें जॉइंट फैमिली बिजनेस होता है, जो कर्ता होते हैं, जो एल्डेस्ट मेंबर होते हैं फैमिली के, वो कर्ता हो जाते हैं आपकी फैमिली बिजनेस के, वही कर्ता धर्ता होते हैं बिजनेस में, जो भी डिसीजन होंगे उनके माने जाएंगे। इसके अलावा बाय बर्थ या फैमिली बिजनेस में मेंबर बन जाते हैं। तो HUF ऐसे ही होता था ना, वही HUF की बात कर रहा है, कह रहे उस HUF को भी अपनी इनकम पे टैक्स पे करना है, इसीलिए वो पर्सन की डेफिनेशन में। थर्ड, कंपनी, कंपनी कौन? एज पर कंपनीज एक्ट 2013, तो जो कंपनीज एक्ट में रजिस्ट्रेशन करवा लेगा उसको कंपनी बोलेंगे, और उस कंपनी को भी हम पर्सन बोलेंगे, क्योंकि उसको भी अपनी इनकम पे क्या देना है, टैक्स देना है। कैसे देना है बात करेंगे। फर्म्स, फर्म्स कौन होती है बच्चों? पार्टनरशिप फर्म या फिर लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, LLPs। फर्म्स तो फर्म्स होती हैं सर, चाहे अनलिमिटेड लाइबिलिटी की हो चाहे लिमिटेड लाइबिलिटी की हो, हम सारी फर्म्स की बात कर रहे हैं, उन सब फर्म्स को अपनी इनकम पर क्या देना है, टैक्स पे करना है। कैसे पे करना है बात करेंगे। एसोसिएशन ऑफ पर्संस, नाउ व्हाट इज एसोसिएशन ऑफ पर्संस? ये सर पहली बार सुना है। पार्टनरशिप फर्म तो हमने सुना था, कंपनी सुना था, HUF सुना था, इंडिविजुअल सुना है सर, AOP नहीं सुना। एसोसिएशन ऑफ पर्सन का मतलब है कोई दो या दो से ज्यादा पर्संस मिलकर काम कर रहे हैं फॉर अ कॉमन मोटिव, हम बोलेंगे एसोसिएशन ऑफ पर्संस। फिर से सुन लो, कोई दो या दो से ज्यादा पर्संस मिलकर काम कर रहे हैं फॉर अ कॉमन मोटिव, हम बोलेंगे एसोसिएशन ऑफ पर्संस, AOP। एग्जैक्टली बच्चों, तो AOP पर्संस की जब एसोसिएशन की बात कर रहा हूं, मिलकर काम कर रहे हैं फॉर अ कॉमन मोटिव के लिए काम कर रहे हैं, तो यहां पर पर्संस में सारे आते हैं। इसका मतलब है एक इंडिविजुअल एक कंपनी के साथ मिलकर काम कर सकता है। मान लो मुकेश अंबानी एक नई कंपनी खोल रहा है XYZ, ठीक है, और उस XYZ कंपनी के प्रमोशन करने के लिए उसने ऋतिक रोशन को कॉन्ट्रैक्ट पे रख लिया कि भाई तुम मेरे पास आ जा और आप मिलकर हम काम करेंगे, जो भी प्रॉफिट होगा वो आधा आधा कर लेंगे। तो उस वेंचर में, उस एसोसिएशन में उसने ऋतिक रोशन का साथ लिया, क्योंकि ऋतिक रोशन की ब्रांड वैल्यू थी, नाम नाम था, तो एडवर्टीजमेंट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इज़ क्लियर? तो ऋतिक रोशन को बुलाया, और यहां पर किसको बुलाया? कंपनी मालिक मुकेश अंबानी, दोनों ने मिलकर एक वेंचर खोल लिया, एसोसिएशन कर लिया एक बिजनेस के लिए। अब एक बिजनेस के लिए जो एसोसिएशन किया, ठीक है, उस बिजनेस को एसोसिएशन में जब किया तो उसको हम लोग बोलते हैं एसोसिएशन ऑफ पर्सन। हम पार्टनरशिप फॉर्म नहीं बोलेंगे बच्चों, पार्टनरशिप होती है इंडिविजुअल्स की। यहाँ पे एक इंडिविजुअल है, एक कंपनी है, मिलकर काम कर रहे हैं फॉर अ कॉमन मोटिव, हम क्या बोलेंगे? AOP। क्या बोलेंगे? AOP। अच्छा बच्चों, अगर सिर्फ इंडिविजुअल्स इंडिविजुअल्स मिलकर काम कर रहे हैं फॉर अ कॉमन मोटिव, देन दे कैन आइदर गो फॉर पार्टनरशिप फॉर्म रजिस्ट्रेशन, और दे कैन गो फॉर BOI अग्रीमेंट, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स। सो मतलब मान लो आप और मैं, हम दो लोग मिलकर एक कॉमन मोटिव रखते हैं कि हम लोगों ने 1000 ट्रीज प्लांट करने, पूरे देश भर में 1000 ट्रीज प्लांट करने, तू कहीं भी कर मैं भी कहीं भी करूं, टोटल मिला के 1000 करने,
और फिर हम अलग अलग हो जाएंगे। तो इसको क्या बोलते हैं, एक पर्पस आ गया, चाहे प्रॉफिट मोटिव है चाहे नॉट प्रॉफिट मोटिव, पर्पस आ गया, पर्पस के लिए जुड़े हैं, बात में अलग अलग हो जाएंगे। बीओआई बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स। अच्छा सर, सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात पता है क्या है एओपी और बीओआई में, कि इनका कोई एक्ट नहीं है, एसोसिएशन ऑफ पर्सन का कोई एक्ट नहीं है, बीओआई का कोई एक्ट नहीं है, पार्टनरशिप का पार्टनरशिप एक्ट है, कंपनी का कंपनी एक्ट है, एचयूएफ के एचयूएफ सोसाइटी रूल्स है, फिर इंडिविजुअल के लिए भी कोई वैसे कोई कानून नहीं होता। बट अगर मैं एसोसिएशन ऑफ पर्सन बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स की बात करूं तो इनका कोई कानून नहीं है, तो कानून नहीं है तो फिर इनके लिए कोई ऐसी रिस्ट्रिक्शन नहीं होगी। बिल्कुल होगी, वो कैसे होगी सर, जो एग्रीमेंट में लिख दिया जाएगा वही इनकी रिस्ट्रिक्शन होगी, क्योंकि देखो दो बंदे मिलकर काम कर रहे हैं, दोनों मेंबर्स की सहमति चाहिए ना, तो वो आपस में एक एग्रीमेंट करेंगे, उस एग्रीमेंट में जो भी लिख दिया जाएगा इनको आपस के टर्म्स को फॉलो करना है, और फिर ये कोई भी डिस्प्यूट होगा तो कोर्ट में जाएंगे सॉल्व होगा। कोर्ट में जज कैसे डिसाइड करेगा, कैसे सॉल्व करेगा, वो जज के हाथ में। एग्जैक्टली, तो एसोसिएशन ऑफ पर्सन समझ में आ गया बच्चों, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स दोनों में फर्क समझ में आया, वो पर्सन्स का एसोसिएशन है यानी इंडिविजुअल एचयूएफ कंपनी कोई भी मिलकर काम कर रहा है, जबकि बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स में सिर्फ इंडिविजुअल्स मिलकर काम कर रहे हैं। अब पार्टनरशिप फर्म और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स में क्या फर्क है, वो एक प्रॉपर फर्म का पार्टनरशिप डीड करवाते हैं, एग्रीमेंट कराते हैं, जो पार्टनरशिप एक्ट में जाकर रजिस्ट्रेशन होती है, यहाँ पर कोई डीड वगैरह नहीं होती। अच्छा, यहाँ पर कोई एग्रीमेंट की भी कोई मैंडेटरी रिक्वायरमेंट नहीं है बच्चों, बीओआई में पार्टनरशिप डीड, वहां पर पार्टनर्स के लिए पार्टनरशिप डीड होनी जरूरी है। एग्जैक्ट है, तो देखो सिंपल सी बात हो गई, एओपी और एक बीओआई, हम वहां पर पार्टनरशिप में एक डीड रखते हैं, यहाँ पर हम लोग कोई डीड वगैरह रखते नहीं है, यहाँ पर कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, रखनी है तो ऑब्वियसली रखना चाहिए, मतलब मैं होऊंगा तो जरूर रखूंगा, मेरे ऐसे और भी लोग होंगे तो जरूर रखेंगे, क्योंकि वो नहीं चाहेंगे कि फ्यूचर में कभी कोई फाइनेंशियल डिस्प्यूट आए। आगे बढ़ते हैं बच्चों, एसोसिएशन ऑफ पर्सन और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल समझ में आता है। नेक्स्ट इज लोकल अथॉरिटी। लोकल अथॉरिटी कौन है, एमसीडी डीडीए, ये सब क्या है बच्चों, लोकल अथॉरिटीज। इन लोकल अथॉरिटीज को भी अपनी इनकम पर क्या देना पड़ सकता है, टैक्स। कब देना पड़ता है वो बातें हम लोग बाद में पढ़ेंगे, मैं सिर्फ पर्सन बता दूं जो गवर्नमेंट ने लिखा है कि ये पर्सन है इनको टैक्स देना। तो देखो हम लोगों ने क्या क्या पर्सन पढ़ लिया, इंडिविजुअल एचयूएफ कंपनी फर्म एओपी बीओआई लोकल अथॉरिटी। लास्ट देखो क्या लिखा है, एवरी अदर आर्टिफिशियल ज्यूरिडिकल पर्सन। कितने समझदार लोग हैं यार ये, उन्होंने कहा हम लोग कितने लिख लेंगे यार, कल को कोई और एंटिटी खोल लेगा, इन छियों में नहीं आएगी तो क्या करोगे। कह रहे ऐसे कौन सी एंटिटी है, लोगों ने बोला ऐसी कौन सी एंटिटी है ना, दिल्ली यूनिवर्सिटी बताओ कौन है भाई दिल्ली यूनिवर्सिटी। हाँ भी डी यू, क्या हाल है, कैसे है, बढ़िया डी यू है ना, तू इंडिविजुअल है डी यू कोई फैमिली बिजनेस है बच्चों, डी यू कोई कंपनी है डी यू प्राइवेट लिमिटेड नहीं, डी यू कोई फर्म है डी यू एन कंपनी डी यू एन एसोसिएट्स नहीं, डी यू कोई एसोसिएशन है नहीं, डी यू कोई लोकल अथॉरिटी है नहीं, तो डी यू कहाँ है सर, एवरी अदर आर्टिफिशियल ज्यूरिडिकल पर्सन। दिल्ली यूनिवर्सिटी के जैसे ही बच्चों, अगर मैं बात करूं ICAI इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट या फिर इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट या फिर इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी ऑफ इंडिया, ये सब इसके अंदर ही आते हैं, क्योंकि ये भी एक आर्टिफिशियल बॉडी है जो ज्यूरिडिकल पर्सन है। इज दैट क्लियर, क्रिएटेड फॉर अ लॉ बाय द लॉ, इज दैट क्लियर। नाउ जब मैं बात करता हूँ DU, ICAI, ICSI, अच्छा ट्रस्ट, चैरिटेबल ट्रस्ट, इंस्टीट्यूट चार्टर्ड अकाउंटेंट हो गया, कॉस्ट अकाउंटेंट हो गया, कंपनी ट्रस्ट, चैरिटेबल ट्रस्ट, तो जो ट्रस्ट है वो भी इसी के अंदर आते हैं। समझ में आ गया बच्चों, ट्रस्ट, कोऑपरेटिव सोसाइटीज वगैरह सब इसी के अंदर आ रहा है। इज दैट क्लियर बच्चों, बहुत ही बढ़िया, मज़ा आ गया। सर हमें पर्सन की डेफिनेशन याद नहीं हो रही, मगर मैं कराता हूँ, मेरे पीछे पीछे बोलेंगे। मैं ना जब ये बात बोल रहा हूँ ना, तो मैं ये एज्यूम कर रहा हूँ, क्योंकि अभी हमारी फेस टू फेस क्लासेस नहीं हो रही, तो मैं ये एज्यूम कर रहा हूँ कि आप लोग ये बात बोल रहे होंगे, नहीं बोलोगे याद नहीं होगा। दिल से थोड़ी सी मेरी इज्जत रख लो, अगर मेरे लिए बोल दोगे बहुत अच्छा लगेगा, आपको याद हो जाएगा, मुझे बहुत मज़ा आएगा। पेपर में मार्क्स हमें 60 70 नहीं, हमें 80 चाहिए, 80 प्लस का टारगेट लेके चलेंगे, 80 से डाउन हमें चाहिए ही नहीं। इंडिविजुअल, एचयूएफ, कंपनी, फर्म, एओपी, बीओआई, लोकल अथॉरिटी और एवरी अदर आर्टिफिशियल ज्यूरिडिकल पर्सन। इज दैट क्लियर। नाउ मैंने ये आपको क्यों कराया, इसका रीजन था क्योंकि मुझे आपको बताना था कि स्लैब रेट्स किसको देने हैं और फ्लैट रेट किसको देने हैं। जब तक आपको पर्सन यही नहीं पता होंगे तो मैं फिर कैसे बताऊंगा, क्योंकि मैं बताने वाला हूं स्लैब रेट्स लगते हैं आज के टाइम पर इंडिविजुअल्स पर, लिखो इंडिविजुअल्स पर, एचयूएफ पर,
कंपनी पर एंड आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन को मैंने एजेपी बोल दिया। एक ही बात है बेटा, बीजेपी नहीं भाई, एजेपी। ठीक है, हाँ पता चले एजेपी की जगह बीजेपी लिख दिया, वो तो भारतीय जनता पार्टी होती है। फ्लैट रेट्स, फ्लैट रेट्स की बात करें ना, फ्लैट रेट्स किसके ऊपर है? फ्लैट रेट्स लगते हैं फर्म्स पर, फ्लैट रेट लगते हैं कंपनी पर, फ्लैट रेट लगते हैं लोकल अथॉरिटी पर। ओके सर, डन सर, डन, इंडिविजुअल डन, एचयूएफ डन, कंपनी डन, फर्म डन, एओपीबीवाई डन, एओपीबीवाई नहीं, सॉरी इंडिविजुअल एचयूएफ, आई एम वेरी सॉरी बच्चों, कंपनी मैंने यहां गलती से लिख दिया, एओपीबीवाई का सॉरी, भावनाओं में बह गया। इंडिविजुअल एचयूएफ, एओपीबीवाई और एजेपी, फ्लैट रेट्स। ठीक है, जबकि फर्म, कंपनी, लोकल अथॉरिटीज के अंदर है, तो हो गया ये भी, हो गया लोकल अथॉरिटी, हो गया एजेपी। इज दैट क्लियर बच्चों? इसके अलावा स्लैब रेट्स कोऑपरेटिव सोसाइटी में भी लगते हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटी जो होती है ना उसके ऊपर भी स्लैब रेट लगते हैं, बट थोड़ा सा स्लैब रेट में चेंजेस हैं। अब तुम बोलोगे सर वो तो आप एजेपी में बोल ही रहे हो कि एजेपी में ही आ जाते हैं, बिल्कुल सही बात है, बट एजेपी वाला जो स्लैब रेट होगा ना वो स्लैब रेट नहीं लगता कोऑपरेटिव सोसाइटी में, थोड़ा सा डिफरेंट लगता है। अब कोऑपरेटिव सोसाइटी होती क्या है, क्या होती है, वो हम लोग पढ़ेंगे ना, अभी टैक्स रेट्स लिखते हैं। हाँ स्टार्ट करते हैं बच्चों, तो अभी हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं टैक्स रेट्स, तो आप लोग मेरे पीछे पीछे लिखेंगे टैक्स रेट्स, और टैक्स रेट्स में हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं किससे, स्लैब रेट से। चलो कलर चेंज करते हैं, थोड़ा सा अच्छा कलर लेते हैं, रेड लेते हैं, रेड। स्लैब रेट्स, आई होप सब कुछ दिख रहा होगा, विजिबल होगा, मजा आ रहा है, मुझे बहुत मजा आ रहा है। स्लैब रेट्स, स्लैब रेट्स में अगर हम बात करें, सबसे पहला जो हम लोग फर्स्ट कैटेगरी पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं मेन, वुमेन, रेजिडेंट्स। मेन वुमेन रेजिडेंट्स का मतलब क्या हुआ बेटा? इंडिविजुअल, मेन इंडिविजुअल है, वुमेन इंडिविजुअल है कि नहीं? सो मेन वुमेन रेजिडेंट्स, एज बिलो 60 इयर्स, इज दैट क्लियर बच्चों? इसका मतलब ये हुआ कि जिनकी उम्र 60 से कम है, यानी 59 है, जिनकी उम्र 60 से कम है यानी 59 है, उन लोगों के लिए यह स्लैब लगता है। ओके सर, बहुत ही बढ़िया सर। सर इसका मतलब है 60 वालों के लिए अलग स्लैब होगा, परफेक्ट। क्या बात करते हो यार, तुम तो मजेदार बात करते हो। सेकंड, बिल्कुल सही बात है, जो सेकंड स्लैब पढ़ेंगे ना, हम पढ़ेंगे उन रेजिडेंट्स के लिए जिनकी उम्र 60 से ऊपर है बच्चों, बिल्कुल सही बात है। तो व्हेन वुमेन रेजिडेंट्स एज बिलो 60 इयर्स, ओके। अब एक बात और थोड़ा सा मैं यहीं पर बता देता हूं, वैसे तो ये बात मैंने शायद आपको नोट्स में, आपके बुक में जरूर मिलेगी, बुक में जरूर होगा, बट मैं फिर भी यहीं पर बता देता हूं। 60 कब अचीव हुआ? मान लो किसी पर्सन का बर्थ डेट 30th मार्च है, क्या है? 30th मार्च। अब 30th मार्च का मतलब हो गया कि 1st अप्रैल, मान लो 1st अप्रैल 2019 को से लेके 30th मार्च 2020 में जाके वो 60 साल का हो जाता है, तो गवर्नमेंट क्या कहेगी, 60 साल वाला स्लैब लगाएंगे या 59 इयर्स वाला स्लैब लगाएंगे? क्योंकि पूरे साल तो तू 59 का रहा है, 30 मार्च को तू 60 साल का हो गया। अब इसमें उस इंडिविजुअल की गलती है? नहीं भाई, क्यों गलती है, क्या गलती है? आपने बोला मैन वुमेन की एज 60 अगर हो गई तो 60 वाला स्लैब लगेगा, तो सही कह रहा है वो बंदा, बिल्कुल सही कह रहा है, समझ में आ गया। मतलब 30 मार्च को, यानी प्रीवियस ईयर में 30 मार्च को भी अगर आप 60 साल के हो जाते हो ना, तब भी आपके लिए यही स्लैब लगेगा। ओके सर, डन, वेरी गुड। एक और बात, 31 मार्च, क्योंकि ये भी प्रीवियस ईयर में आता है, तो इसमें भी अगर आप 60 साल के हो जाते हो ना, और पहले 59 के थे, पूरा साल 59, इसमें आप 60 साल के हो गए, तो आपको इसमें भी ये बेनिफिट मिलेगा। इज दैट क्लियर बच्चों? समझ में आ गया। एक और बात, गवर्नमेंट ने फ्यूचर में क्लेरिफिकेशन दी और वो आप लोगों के हक में दी, कहा अगर जो असेसमेंट ईयर होता है, मतलब 2021, यानी 1st अप्रैल 20, आपका डेट ऑफ बर्थ जो पड़ा वो कहां पड़ा, 1st अप्रैल 20, अप्रैल फूल, अगर 1st अप्रैल 20 को डेट ऑफ बर्थ पड़ता है बच्चों, और आप तब जाके 60 साल के होते हो,
गवर्नमेंट ने कहा कि कोई दिक्कत नहीं है, अगर 1 अप्रैल को भी 60 साल का वो हो जाता है ना, तो भी हम लोग 60 साल वाला स्लैब लगा देंगे उस बंदे के ऊपर। यानी गवर्नमेंट ने 30 मार्च को, तो आप छोड़ ही दो ना, 30 मार्च तो समझ में आ ही गया होगा, 31 और 1 अप्रैल को याद कर लो। ये गवर्नमेंट ने 1 अप्रैल वाली क्लेरिफिकेशन दी है जो आपके हक में दी, क्योंकि गवर्नमेंट ने देखा कि यार ठीक है यार, थोड़ा सा फेवरिज्म कर दो उस बंदे के लिए भी, क्योंकि वो बुजुर्ग तो है ही, अब 60 साल का पहुंच गया हो। तो गवर्नमेंट ने कहा 1 अप्रैल को भी तुम 60 साल के अगर होते हो ना, तो हम लोग जो है आपको 60 ईयर्स वाला स्लैब का बेनिफिट दे देंगे। यानी ये जो 1920 की कमाई होगी ना, उस पर 60 ईयर्स वाला स्लैब लगेगा, ना कि 60 से बिलो वाला। अब ऑब्वियसली 60 वाला स्लैब की गुंजाइश, आप 60 वाला स्लैब के लिए रिक्वेस्ट क्यों कर रहे हो, गुजारिश क्यों कर रहे हो? क्योंकि 60 वाला स्लैब में गवर्नमेंट आपको बेनिफिट ज्यादा देता होगा। यस या नो? बिल्कुल सही बात है, समझ में आ गया आप लोगों को, है ना? पक्की बात है, ये बात आपको बुक में भी मिल जाएगी, बट स्टिल मैंने आपको करवा दिया, एक बार आप वहां से रीडिंग करोगे तो मजा आ जाएगा। सो मैन वुमेन रेजिडेंट बिलो 60 अगर आप रहते हो, यानी 59 रहते हो, तो आपके लिए ये स्लैब है। पर अगर आप 30 मार्च, 31 मार्च या 1 अप्रैल को जाके भी 60 ईयर्स के हो जाते हो, तब भी आपको गवर्नमेंट स्लैब रेट 2 दे देगी, यानी 60 ईयर्स वाला स्लैब दे देगी। ओके सर, समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं बच्चों, नॉन रेजिडेंट इंडिविजुअल्स। और मैं नॉन रेजिडेंट इंडिविजुअल्स में कोई एज नहीं लिख रहा हूं, देख रहे हो आप लोग, मैंने कोई एज नहीं लिखी। इसका मतलब है नॉन रेजिडेंट की उम्र 40 हो, 60 हो, 80 हो, 100 या 100+ हो, यही स्लैब है। नॉन रेजिडेंट समझते हो बच्चों? हम लोग ना एक चैप्टर पढ़ेंगे इसके बाद, रेजिडेंशियल स्टेटस नाम है उसका। उसका मतलब होता है कि आपकी इनकम्स पर टैक्स लगाएंगे। रेजिडेंट वो लोग होते हैं जो हमारे देश में ज्यादा रहते हैं, नॉन रेजिडेंट वो होते हैं जो हमारे देश में कम रहते हैं। तो जाहिर सी बात है कि रेजिडेंट्स हमारे देश की फैसिलिटी, इंफ्रास्ट्रक्चर को ज़्यादा यूज़ करता है, तो उसका टैक्स भी ज़्यादा बनना चाहिए। नॉन रेजिडेंट का फैसिलिटी, इंफ्रास्ट्रक्चर को यूज़ कम करता है, तो उसका टैक्स कम बनना चाहिए। तो इसीलिए गवर्नमेंट ने रेजिडेंट्स और नॉन रेजिडेंट्स में थोड़ा सा डिफरेंस रखा। अब यहाँ पर सिर्फ 60 ईयर्स वाले रेजिडेंट्स के लिए उन्होंने कुछ बेनिफिट दिया कि भाई 60 ईयर्स वाले जो रेजिडेंट है उनके लिए हम लोग स्लैब का रेट भी रखेंगे, नेक्स्ट एक अच्छा स्लैब देखेंगे, एग्जेम्पशन लिमिट ज़्यादा देंगे, और थर्ड वाले केस में। बट आप रेजिडेंशियल स्टेटस में जब जाके पढ़ोगे ना, तो आपको ये समझ में आएगा कि रेजिडेंट्स जो होते हैं ना, वो हर तरह की इनकम पे टैक्स इंडिया में देते हैं, क्योंकि वो इंडिया के रेजिडेंट हैं। वो गुनाह है उनका, क्या गुनाह है उनका, कि भाई तू कहीं से भी कमा, यूएस से कमा, यूरोप से कमा, ऑस्ट्रेलिया से कमा, न्यूजीलैंड से कमा, आसमान से कमा, या पाताल से कमा, या फिर कमा अफ्रीका के जंगलों से, हाँ टैक्स कहाँ देना पड़ेगा, इंडिया में। क्यों, गुनाह क्या है तेरा कि तू इंडिया का रेजिडेंट है? रेजिडेंट के लिए बच्चों कंडीशन होती है 182 डेज वाली, बहुतों ने सुना भी होगा, हम लोग बाद में इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे, अभी सिर्फ इतनी नॉलेज काफी है। मजा समझ में आया, मतलब समझ में आ गया सबको? रेजिडेंट्स। सर सर जो नॉन रेजिडेंट्स होते हैं, तो फिर देखो रेजिडेंट्स को हर तरह की इनकम पर टैक्स देना, तो कहीं से भी कमा। नॉन रेजिडेंट जो होते हैं उसको हर तरह की इनकम पर टैक्स इंडिया में नहीं देना, क्योंकि वो इंडिया में रहता ही नहीं ना। तो इसलिए गवर्नमेंट ने कहा कि देखो इसको उस इनकम पर टैक्स लगाओ जो इनकम का कनेक्शन इंडिया के साथ हो, यानी या तो वो उसने पैसे इंडिया में रिसीव किए हो, या फिर वो कमा इंडिया से रहा हो। अगर कोई नॉन रेजिडेंट इंडिया में आके कमाता है, इंडिया से कुछ पैसे कमाता है, तो एक्रूराइज कहाँ से हुआ, इंडिया से, तो इंडिया में टैक्स देगा। या फिर वो रिसीव इंडिया में कर रहा है, वो इंडिया में टैक्स देगा। बात समझ में आती है बच्चों? बहुत ही बढ़िया। तो मैन वुमेन रेजिडेंट्स एज बिलो 60 ईयर्स, नॉन रेजिडेंट में मैंने कोई एज रिस्ट्रिक्शन नहीं लिखी, इसका मतलब है सबके लिए यही स्लैब है। बट कुछ फायदे के लिए, कुछ नुकसान के लिए, दोनों चीज़ों को देखते हुए गवर्नमेंट ने नॉन रेजिडेंट को कहा कि भैया हम लोग इनके लिए स्लैब क्यों बनाए, अलग अलग क्यों बनाए, भाई कौन है ये, तो NRI लोग हैं, हमारे यहाँ रहते भी नहीं है, इनसे तो टैक्स वसूलना चाहिए ज़्यादा। बट अगर आप रेजिडेंशियल स्टेटस देखोगे तो इनकी सारी इनकम्स पे टैक्स नहीं लगाया गया, समझ में आया, तो आप लोग पढ़ोगे। ओके आगे बढ़ते हैं। HUF हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया था। AOP ऑब्लिक BOI एंड एवरी अदर AJP आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। तो बच्चों ये बात हम पहले ही कर चुके हैं, है ना, है ना पक्का?
बहुत बढ़िया बच्चों, बहुत ही बढ़िया। मुझे आप लोगों को पढ़ा के बड़ा ही अच्छा लग रहा है। अब कोई डाउट आए तो बेटा मेरा व्हाट्सएप नंबर आप लोगों के पास है, आप लोग व्हाट्सएप कर सकते हो, ठीक है। कभी भी मैं इंस्टेंट रिस्पांस देने की कोशिश करूंगा, नहीं दे पाया तो मैं आपको रिस्पांस ज़रूर दूंगा। एक दिन डिले हो जाता है भैया, हम भी इंसान हैं, हमारे भी कुछ फैमिली वगैरह भी हैं, तो हम लोगों को भी देखना पड़ता है, तो इसलिए कभी कभार कोई लेट हो सकता है, डिले हो सकता है, अदरवाइज आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। नाउ आगे बढ़ते हैं, तो मैन वुमेन रेजिडेंट, तो मैं यहाँ पर अब मैं लिखने जा रहा हूँ स्लैब। सर स्लैब क्या है? अप टू रुपीज 2,50,000 टैक्स है बच्चों, नील 2,50,000 1 रुपी से लेके 5 लाख पर टैक्स है बच्चों 5%। 5 लाख 1 रुपी से लेके 10 लाख तक टैक्स है बेटा 20%। और अगर आप 10 लाख रुपए से ज्यादा इनकम कमाते हो तो टैक्स है बेटा 30%। बताओ समझ में आता है? 5, 20 और 30। तो आपको बताना है कि मेरी इस इनकम पर टैक्स कैसे कैलकुलेट होगा। तो आपकी इनकम है, ये आपकी इनकम का स्लैब बना दिया, 2.5 लाख तक की लिमिट पर 0, 2.5 से लेके 5 पर 5 लाख, 5 से लेके 10 पे 20%, अबव 10 लाख पर 30%। अच्छा, हम लोग इसको ऐसे भी पढ़ सकते हैं, पहले 2.5 लाख पर 0, अगले 2.5 लाख। बेटा देखो, 2.5 लाख से 5 लाख का मतलब क्या हुआ, डिफरेंस। अगले 2.5 लाख, 2.5 लाख 1 रुपए से 5 लाख की बात हो रही है, तो अगले 2.5 लाख जो होंगे ना उस पर 5%, और फिर 5 लाख से 10 लाख रुपए, यानी अगले 5 लाख रुपए पर, अगले 5 लाख रुपए पर 20%, और अबव 10 लाख जो भी होगा बच्चों, जो बैलेंस अमाउंट है उसके ऊपर कितना, 30%। समझ में आता है बच्चों? ओके डन, सर खत्म, बस इसके अलावा कुछ नहीं। नहीं बेटा, क्या बात कर रहे हो, ऐसे गवर्नमेंट क्या छोड़ती है। प्लस हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, गवर्नमेंट हमसे एक हेल्थ एंड एजुकेशन सेस लेती है जो कि है 4%। और सेस का मतलब होता है बच्चों टैक्स ऑन टैक्स। क्या मतलब होता है? टैक्स ऑन टैक्स। तो जनरली जो इनकम टैक्स में सेस होते हैं वो टैक्स ऑन टैक्स होता है, यानी जो टैक्स आएगा ना उसी के ऊपर टैक्स निकालेगा, इनकम के ऊपर अलग से नहीं लगेगा। इनकम टैक्स में, डायरेक्ट टैक्सेस में बात करो तो डायरेक्ट टैक्सेस में जो सेस लगता है वो टैक्स ऑन टैक्स लगता है। इज दैट क्लियर बच्चों? तो जो मेरा टैक्स होगा उसी के ऊपर टैक्स लगा दो। ओके, फॉर एग्जाम्पल 100 रुपये का टैक्स आया, ये वाला, यहाँ से निकाल के 100 रुपये का आया, तो इस 100 रुपये के ऊपर 4%, 100 रुपये के ऊपर 4% करेंगे तो कितना आएगा, 4 रुपये। टोटल टैक्स लाइबिलिटी कितनी होगी, 104 रुपये। समझ में आता है बच्चों? वेरी गुड सर, हमें तो ये वाली बात बिल्कुल क्लियर हो गई, वेरी गुड। तो आपको ये स्लैब याद रखना है, और फिर आपको हेल्थ एंड एजुकेशन सेस वाली बात पता होनी चाहिए, ठीक है। आओ एक दो क्वेश्चन करके देख लेते हैं कितना आता है आपको। अब जिसको आता है वो खुद ट्राई करे, ठीक है, और जिसको नहीं आता प्लीज देखो, ठीक है। एग्जाम्पल, मिस्टर देव एज 48 ईयर्स, हिज नेट इनकम इज रुपीज 12 लाख। नेट इनकम कितनी है? 12 लाख। इन प्रीवियस ईयर 2000 इन प्रीवियस ईयर 2000 2021 2021 में, यानी 1/4/20 से लेकर 31 मार्च 21 तक उसने 12 लाख रुपए कमाए थे। किस सोर्स से कमाए थे ये अभी चिंता करने वाली जरूरत नहीं है, हम लोग पहले टैक्स रेट्स पढ़ रहे हैं बेटा, फिर हम लोग इनकम्स में भी जाएंगे, ठीक है बच्चों। तो अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? टैक्स रेट्स। तो इस नेट इनकम इज 12 लाख रुपीज इन प्रीवियस ईयर 2021, यानी 1 अप्रैल 2020 से लेकर 31 मार्च 2021।
कंप्यूट हिज टैक्स लाइबिलिटी, आपको इनकी टैक्स लाइबिलिटी फाइंड आउट करनी है। ओके तो करें बच्चों, ठीक है सर करते हैं, आओ आओ बच्चों टैक्स लाइबिलिटी देख लेते हैं कैसे निकालते हैं। सो आपकी प्रेजेंटेशन कैसे स्टार्ट होगी? सर बच्चों को लगता है कि ऐसे क्वेश्चन तो कभी नहीं आते होंगे, बट मैं आपको बता दूं, आप हैरान हो जाओगे, ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में आ चुके, दो नंबर का ही आया या फिर कोई एमसीक्यू बन के आ गया, बट आ जरूर चुका है। तो इसीलिए अगर एमसीक्यू आ गया तो आपको वही मार्क करना है, और अगर दो नंबर का है तो आपको एक प्रेजेंटेशन जरूर रखनी चाहिए। कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लाइबिलिटी ऑफ मिस्टर देव, ओके ये हमारा सॉल्यूशन होगा फॉर द असेसमेंट ईयर 2021-22। तो आपको क्या करना है, अब आपने इसकी इनकम कैलकुलेट करनी है। ओके तो फर्स्ट 12 लाख की इसकी इनकम है फर्स्ट, अब इसके 12 लाख के ना टुकड़े करने स्लैब के हिसाब से। स्लैब क्या था, पहले 2.5 लाख पर जीरो, यानी फर्स्ट 2,50,000 पर स्लैब में कितना इनकम, कितना टैक्स लगेगा, जीरो। नेक्स्ट 2,50,000 पर टैक्स कितना लगेगा, 5%, विच इज इक्वल टू 12,500। नेक्स्ट 5 लाख पर टैक्स कितना लगेगा, 20%, तो टैक्स कितना हो गया, 1 लाख रुपीज। ओके तो बच्चों आपने देखा मैंने उस 12 लाख के टुकड़े कर दिए बच्चों, 2.5 लाख अलग कर दिया, 2.5 लाख अलग कर दिया, 5 अलग कर दिया, बचा कितना, 10 से ऊपर कितना, 2। समझ में आया नहीं आया, 12 लाख रुपए की मेरी इनकम थी, इससे कर दो, ये जो स्लैब है ना स्लैब, ये अप टू 2,50,000 जीरो है, 2.5 लाख से लेके 5 लाख पर 5, इसका मतलब है वो जो अगले 2.5 लाख का कंपोनेंट है उस पर 5 है, फिर उसके बाद 5 से लेके 10 लाख पर 20, यानी उसके अगले 5 लाख पर 20%। जैसे जैसे इनकम बढ़ती जाएगी वैसे वैसे टैक्स भी बढ़ता जाएगा, इसी को प्रोग्रेसिव कॉन्सेप्ट बोलते हैं। 10 लाख से इनकम कितनी ज्यादा है मेरी, मेरी इनकम है कितनी बच्चों, 12 लाख, तो 10 लाख से कितनी ज्यादा है, 2 लाख, तो बैलेंस 2 लाख रुपए के ऊपर, बैलेंस 2 लाख रुपए के ऊपर आपको टैक्स पे करना है 30%, विच इज इक्वल टू 60,000 रुपीज। टोटल हो गया 1,72,000। ओके बट क्या ये हमारा कंप्लीट आंसर है बच्चों? नहीं, क्योंकि मैंने तो अभी सेस भी कैलकुलेट करना है। सर आपने सेस बता तो दिया, बट सेस का मतलब मैंने बताया, टैक्स ऑन टैक्स अब क्यों ले रही है? अरे भाई नाम में लिखा है, सेंट्रल गवर्नमेंट ले रही है ये हमसे। अरे इनकम टैक्स कौन लगाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट, बताया था ना पहले, कॉन्स्टिट्यूशन बताया था, आर्टिकल 246 शेड्यूल 7 एंट्री नंबर 82 ऑफ लिस्ट 1, एंट्री नंबर 82 ऑफ लिस्ट 1 क्या बोलता है, इनकम टैक्स, जिसमें पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होती है, यानी ये कलेक्ट कौन करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट, किसके लिए, हेल्थ के लिए, हॉस्पिटल्स, जितने भी सरकारी हॉस्पिटल चल रहे हैं वहां पे डॉक्टर्स अच्छे खासे आते हैं नहीं आते, तो उनको तनख्वाहें कहां से जाती हैं, यहीं से जाती है। एजुकेशन, गवर्नमेंट स्कूल चल रहे नहीं चल रहे, आपको पता है स्कूल के टीचर्स की बहुत अच्छी सैलरी मिलती है, गवर्नमेंट स्कूल के टीचर्स को कहां से मिलती है, समझ में आ गया बच्चों? हेल्थ एंड एजुकेशन सेस 4%। तो बच्चों हेल्थ एंड एजुकेशन सेस जो मैं बोल रहा हूं आपको 4% का, ये आपने अब इसके ऊपर कैलकुलेट करना है। तो हेल्थ एंड एजुकेशन सेस एट द रेट ऑफ 4% कितना आ जाएगा, 1,72,000 पे 4% करो, आ जाएगा 6,880। ओके और मेरा टोटल बन जाएगा बच्चों 1,78,880। ये हो गई मेरी टैक्स लाइबिलिटी।
क्या हो गई मेरी टैक्स लाइबिलिटी। ओके बच्चों, तो ये नन्ना मुन्ना सा क्वेश्चन, समझे आप कैसे बनाना है। देखो बहुत सिंपल सी बात है, मैंने क्या करने हैं 12 लाख के टुकड़े करने। मैं फिर से एक बार ये इस तरीके से भी बता दूं, ये जो 12 लाख रुपए की आपने इनकम कमाई है इसके टुकड़े करने, 2.5 लाख अगला टुकड़ा, फिर 2.5 लाख अगला टुकड़ा, फिर 5 लाख और उसके बाद का टुकड़ा 2 लाख। 2.5 लाख पर 0, 2.5 लाख पर 5%, ये 5 लाख पर 10%, सॉरी 5-10 की जगह 20%, और ये 2 लाख रुपए पर 30%, ये स्लैब है, ये टैक्स निकाल देंगे, उसको एसेस कैलकुलेट कर लेंगे, दैट्स इट। समझ में आया? तो यानी अगर मेरी इनकम 10 लाख होती बच्चों तो क्या होता, 2.5, 2.5 और 5, ये आता ही नहीं। सर मेरी इनकम अगर 8 लाख होती तो 2.5, 2.5 कितने हो गए, 5 लाख हो गए, कितने बच गए, 3, तो वही स्लैब में आता बस। सर इसके आगे नहीं मतलब ही नहीं बनता, इससे आगे तब जाना जब 10 से ऊपर हो। इज़ क्लियर बच्चों? आओ एक क्वेश्चन और करते हैं, एक क्वेश्चन और आप लोगों की प्रैक्टिस के लिए, फिर हम लोग अगले स्लैब पे चलेंगे। मिस्टर प्रसाद एज 57 इयर्स, हिज नेट इनकम फॉर प्रीवियस ईयर 2020-21 इज रुपीज 6 लाख। कंप्यूट हिज टैक्स लाइबिलिटी। ओके बच्चों, तो आपको टैक्स लाइबिलिटी इनकी कैलकुलेट करनी है। सर ऑप्शन वाली बात भी, तो ऑप्शन वाली बात मैं बताऊंगा ना, चिंता क्यों करते हो यार, ऑप्शन वाली बात बताऊंगा, बट पहले ये पता होना चाहिए जो आज पहली बार देख रहे हैं, जिन्होंने पिछले टैक्स रेट्स नहीं पढ़े हैं उनके लिए भी है ये। ओके बच्चों, तो अभी हम लोग आएगा वो वाला पॉइंट, अभी हम लोग ये समझ लेते हैं कि इसको टैक्स कैसे कैलकुलेट करना। तो एक बार ही बहुत सारे बच्चों ने अपने आप कैलकुलेट करना स्टार्ट कर दिया होगा, मैं ये समझता हूँ, तो अच्छी बात है, करो कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग पहले ही कर लो। सॉल्यूशन, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लाइबिलिटी, हम जो भी काम करेंगे प्रेजेंटेशन में करेंगे, प्रेजेंटेशन मैटर्स बच्चों। कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लाइबिलिटी ऑफ मिस्टर प्रसाद फॉर द असेसमेंट ईयर 2021-22। तो इस 6 लाख रुपए को हमें स्लैब में बांटना है। स्लैब क्या था, पहले 2.5 लाख पर 0, आओ पहले 2.5 लाख पर तो 0। ओके, अब अगले 2.5 लाख पर कितना, नेक्स्ट 2,50,000 पर कितना, 5%, आओ ओके। अब 5 लाख हो गए, 5 लाख की इनकम पे टैक्स निकाल दिया, अगर 5 लाख ही होता ना सला इनकम तो ये आपका टैक्स बनता, ठीक है। बट अगर आपकी इनकम 6 लाख रुपए है तो मुझे 5 से ऊपर जाना है, अगले 5 लाख पर 20%। बट अगले 5 लाख क्यों जाऊं जब इनकम ही मेरी 6 है, तो 5 खत्म, एक ही और रह गया, तो वो अगले स्लैब में चला जाएगा, नेक्स्ट 1 लाख रुपीज पे 20%। आई होप सबको समझ में आ गया होगा, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। 32,500 ये मेरा आ गया, प्लस HEC एट द रेट ऑफ 4%। कोई डाउट हो आप लोग इमीडिएटली प्लीज मैसेज करेंगे मुझे, मैं जवाब दूंगा। $32,500 × 4% = $1,300। बेटा आप लोगों का रिजल्ट मेरे लिए मैटर करता है, मेरे को मार्क्स चाहिए, स्कोर अच्छा चाहिए, ठीक है। उसके लिए चाहे मुझे पूरी रात जागना पड़े आप लोगों से मैसेज करके डाउट्स डिस्कस करने के लिए, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे आप अच्छा रिजल्ट दोगे, मैं इससे इस चीज़ की एक्सपेक्टेशन करता हूँ, और वो तभी बात बनेगी जब आप अच्छे से मेहनत करोगे। मैं सच बात बता रहा हूँ, बहुत मज़ा आने वाला है, बहुत बढ़िया पढ़ाऊँगा, बहुत बढ़िया तरीके से कंप्लीट करवाऊँगा,
स्टडी मैट मैं बेस लेके चलता हूँ, तो स्टडी मैट सारा कंप्लीट करेंगे करेंगे, आरटीपीज एमटीपीज जो भी चीज़ें इंस्टीट्यूट प्रोवाइड करता है वो सब चीज़ें हम लोग कम्प्लीट करें। एग्जैक्टली बच्चों, तो ये क्वेश्चन जो है ना, ये दो नंबर के क्वेश्चन एग्जाम में ऐसा आ जाता है। बट इससे रिलेटेड कुछ और बातें भी है जो हमें अभी पढ़नी है, ठीक है। बट मैं क्या करूँगा, सारी चीज़ें आज नहीं पढ़ सकते, तो हम लोग क्या करेंगे, कुछ चीज़ें हिस्से में बांट। अब हम लोग अब अगला जो टॉपिक करने जा रहे हैं वो स्लैब नंबर टू है, वो भी देख लेते हैं बच्चों। स्लैब नंबर टू, स्लैब नंबर टू, चलो लिखेंगे सब लोग। सेकंड, सेकंड, सेकंड पॉइंट लिखेंगे। सेकंड पॉइंट हो गया रेजिडेंट इंडिविजुअल्स एज 60 और अबव बट बिलो 80, 60 या उससे ज्यादा है बट 80 से कम है, 60 या उससे ज्यादा है बट 80 से कम है, उनके लिए, उनके लिए ये स्लैब है। यानी बुजुर्गों के लिए जो 60 प्लस हो जाते हैं बट 80 से कम है, क्योंकि 80 के लिए अलग स्लैब है। तो गवर्नमेंट ने बोला फर्स्ट 3 लाख रुपीज तक हम टैक्स रखेंगे जीरो, 3 लाख 1 से 5 लाख कितना, 5%, 5 लाख 1 रुपीज से 10 लाख रुपीज तक 20%, और अबव 10 लाख रुपीज 30%। सर ये तो वैसे ही स्लैब है, हाँ बस फर्क क्या आ गया, वहां 2.5 लाख रुपए की एग्जेम्पशन लिमिट थी, यहाँ 3 लाख। अब कोई भी पर्सन जिसको 50,000 रुपए का भी एक एडिशनल बेनिफिट मिल रहा है तो यार क्यों नहीं लेगा, ठीक है ना, समझ में आ गया। तो इसीलिए इस स्लैब में थोड़ा सा एक एडवांटेज जरूर रहता है। इसके बाद इसके अलावा प्लस, देखो ये तो लगेगा ही लगेगा चाहे आप बुजुर्ग क्यों ना हो, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस एट द रेट ऑफ 4%, ओके, तो ये तो लगेगा लगेगा, इज दैट क्लियर। और 60 इयर्स वाली बात मैंने कहानी आपको बता दी कि अगर आपका डेट ऑफ बर्थ 31 मार्च है और 31 मार्च के आप 60 इयर्स के हो जाते हो, पूरे साल 59 के थे, तब भी आपको 60 वाला स्लैब लगेगा, यानी ये वाला स्लैब। और अगर आप 1 अप्रैल का भी आपका डेट ऑफ बर्थ है तब भी आपको गवर्नमेंट ने बेनिफिट दिया, 2 अप्रैल में नहीं, 1 अप्रैल, 1 अप्रैल तक के लिए गवर्नमेंट ने आपको बेनिफिट दिया कि अगर आपका 1 अप्रैल को ही डेट ऑफ बर्थ आता है तो आपको मान लिया जाएगा कि आप 31 मार्च में ही 60 साल के हो चुके थे। समझ में आ गई ना बात, उस केस में कोई लॉजिक नहीं है, उस केस में सिर्फ और सिर्फ एक बेनिफिट है। फिर हम बात करते हैं रेजिडेंट इंडिविजुअल्स, अब ये इनको तो हम बोल सकते हैं सीनियर सिटीजन्स, बोल सकते हैं नहीं बोल सकते, सीनियर सिटीजन्स जिनकी उम्र 60 या उससे ज्यादा हो जाए, रेजिडेंट इंडिविजुअल्स जिनकी एज 80 और अबव हो जाए, बट भाई बिलो की कोई जरूरत नहीं है, 80 बहुत ज्यादा है, 80 या उससे ज्यादा, तो अगर रेजिडेंट इंडिविजुअल जिनकी 80 या उससे ज्यादा हो जाए, हम इसको बोलते हैं बच्चों सुपर सीनियर सिटीजन्स। सुपर सीनियर सिटीजन्स, अब इनके लिए एज 80 और अबव, एज 80 और अबव रेजिडेंट इंडिविजुअल्स हुआ सुपर सीनियर सिटीजन्स, उनको सुपर सीनियर सिटीजन बोलते हैं क्योंकि इनकी एज 80 ईयर्स या उससे ज्यादा है। जैसे हम लोगों ने 60 के लिए पॉइंट पढ़ा था ना बच्चों, एग्जैक्टली वैसे ही पॉइंट 80 के ऊपर भी एप्लीकेबल होता है। यानी आप 31 मार्च को अगर 80 साल के हो जाते हो तो आपके लिए 80 साल वाला स्लैब लग जाएगा, और अगर आप 1 अप्रैल जो कि असेसमेंट ईयर है, अगर असेसमेंट ईयर में भी जाके आप 80 साल के हो जाते हो तब भी गवर्नमेंट आपको मान लेगा कि आप 31 मार्च को ही 80 साल के हो गए, एग्जैक्टली। तो इसीलिए गवर्नमेंट आपको ये बेनिफिट देगा, और यहाँ पर बेनिफिट अच्छा खासा है बच्चों। पहले 5 लाख पर आपको टैक्स ही नहीं देना, पहले 5 लाख तक आपको टैक्स ही नहीं देना बच्चों, बहुत ही बढ़िया यार ये तो।
सर 5 लाख रुपए तक तो टैक्स ही नहीं देना, फिर 5 लाख 1 रुपए से लेके 10 लाख रुपए की इनकम पर आपको टैक्स पे करना है कितना? सीधा 20, सीधा हार्ट अटैक भाई। 5 तो देना ही नहीं, क्यों? 5 तक तो हटा ही दिया ना, यहां तक तो खत्म ही कर दिया स्लैब, ये तो जीरो ही कर दिया। इसके बाद इसके ऊपर अगर कुछ होगा तो ये वाला स्लैब आगे कंटिन्यू रखा, तो सीधा ही 20। और अगर आप 10 लाख से ज्यादा कमा गए तो 30%। अब कईयों के दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा, सर सुपर सीनियर सिटीजन इतनी पैसे कहाँ कमाते होंगे? अरे क्या बात कर रहे हो यार, बैठे बैठे बहुत इनकम्स कमा रहे हैं, इंटरेस्ट से कमा रहे हैं। कई ये बहुत अमीर हैं जिनके पास एफडी करोड़ों रुपए की है, जिनकी एफडी ही करोड़ों रुपए की है, उनका उनको साल का कितना इंटरेस्ट आता है बच्चों? उनकी 10 लाख से ज्यादा, 10 लाख कुछ भी नहीं है, समझ में आया? तो बहुत सारे लोग हैं जो ऐसे पैसे कमा रहे हैं 10 लाख से। और प्रॉपर्टी का किराया बच्चों 80 ईयर्स अबव हो जरूर हो, बट आप प्रॉपर्टी के मालिक हो, इसलिए किराया आप ही के हाथ में आता है। तो 80+ होने के बाद भी बहुत सारे लोग हैं जो अच्छा खासा किराया कमाते हैं, ठीक है? तो 30% का टैक्स उस केस में लगेगा जब 10 लाख से ज्यादा इनकम हो। प्लस ये तो लगेगा ही, इसको कैसे भूल जाएंगे हम, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस एट द रेट ऑफ 4%। ओके वेरी गुड बच्चों, बहुत ही बढ़िया, मजा आ गया। अब सिर्फ एक बात पर ध्यान देना, मैंने आपको पहले वाला जो स्लैब कराया था उसके अंदर सब लोग थे, मेन वुमेन रेजिडेंट्स जिनकी उम्र 60 से कम है, नॉन रेजिडेंट इंडिविजुअल्स, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, एओपी, बीओआई, एवरी अदर आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन। इज दैट क्लियर? नाउ जब मैं बात करता हूँ स्लैब नंबर 2 की, वहां पर अब जो है सिर्फ और सिर्फ रेजिडेंट इंडिविजुअल्स की बात कर रहे हैं जिनकी उम्र 60 और उससे ज्यादा है। और जब हम बात करते हैं सेकेंड स्लैब की, थर्ड स्लैब की, वो है 80 अबव वाले सुपर सीनियर सिटीजन। इज दैट क्लियर? ठीक है बच्चों, तो ये है आपका टैक्स रेट। आओ एक दो क्वेश्चन इनके भी ट्राई कर लेते हैं, कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं सर, आओ इनके भी एक दो क्वेश्चन ट्राई कर लेते हैं। मिस्टर अमिताभ बच्चन, एज 70 में होगा वैसे, चलो 68 ईयर्स। हिज नेट इनकम इज रुपीज 40 लाख इन प्रीवियस ईयर 2020-21। कंप्यूट हिज टैक्स लाइबिलिटी। ओके सर बहुत आसान है, 40 लाख रुपए की इनकम है, वेरी गुड। तो अब हमें सॉल्व करना है इसको, कैसे करेंगे? 60+ का स्लैब लगेगा बेटा। पहले तो आपको ये पता लगाना है ये बंदा रेजिडेंट है या नहीं, क्योंकि अगर ये बंदा नॉन रेजिडेंट निकला, अगर ये बंदा नॉन रेजिडेंट निकला तो इसके लिए लगेगा स्लैब 1। क्यों? स्लैब 1 में हम लोगों ने पहले ही पढ़ लिया था नॉन रेजिडेंट के लिए कोई एज लिमिट नहीं है। अगर ये अमिताभ बच्चन नॉन रेजिडेंट निकला, भाई नाम इंडियन होने से आप रेजिडेंट नहीं बन जाओगे, इंडियन होना जरूरी नहीं है। रेजिडेंट जो होता है वो होता है जिसका स्टे इंडिया में तकरीबन आधे साल से ज्यादा हो, उसके लिए हम कंडीशन बाद में पढ़ेंगे, ठीक है? बट अभी हम एक एग्जाम्पल लेके चले कि सर मिस्टर अमिताभ बच्चन नॉन रेजिडेंट भी तो हो सकता है, मान लेते हैं नॉन रेजिडेंट है। सर अगर वो नॉन रेजिडेंट है तो कौन सा स्लैब लगेगा, 1 या 2? क्योंकि एज तो 60+ है, तो 2 तो लग ही नहीं सकता, क्योंकि 2 तो लगता है सिर्फ रेजिडेंट के लिए जिनकी उम्र 60+ है, समझ में आया? अब यहाँ पे फर्स्ट स्लैब लगेगा अगर वो नॉन रेजिडेंट। तो अगर मान लो क्वेश्चन में रेजिडेंट, अगर क्वेश्चन में कुछ ना लिखा हो तो रेजिडेंट मान लो, क्वेश्चन में कुछ ना लिखा हो तो रेजिडेंट मान लो, तो कुछ भी नहीं लिखा ना तो हम लोग रेजिडेंट मानेंगे। और अगर हम रेजिडेंट मानेंगे तो हम लोग सेकेंड स्लैब लगाएंगे। और सेकेंड स्लैब क्या कहता है बेटा, पहले तो हेडिंग लिखेंगे कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लाइबिलिटी ऑफ मिस्टर अमिताभ फॉर द असेसमेंट ईयर
21 22, ठीक है। तो अब क्या करना है, फर्स्ट फर्स्ट 3 लाख रुपीस टैक्स पे करेंगे निल। नेक्स्ट, अब 3 लाख से लेके 5 लाख तक जाना है बच्चों, तो नेक्स्ट 2 लाख रुपीस 5% विच इज इक्वल टू 10,000। नेक्स्ट 5 लाख रुपीस पर टैक्स 20% विच इज इक्वल टू 1 लाख, और बैलेंस 10 लाख रुपए हो गया बच्चों। तो 10 लाख से ऊपर जितना भी होगा उस पर कितना लगाना है, 30%। कितना ऊपर है, 30 लाख, तो उसके ऊपर कितना लगेगा, 30%। तो 30 लाख पर 30% इज इक्वल टू 9 लाख। टोटल टैक्स हो गया बच्चों 10,10,000, और इसके ऊपर हम लोग देंगे हेल्थ एंड एजुकेशन सेस एट द रेट ऑफ 4%, और 4% के हिसाब से दस लाख 10,000 पर 4% विच इज इक्वल टू 40,400, ठीक है। 40,400 टोटल हो गया 10,50,400। ये हमारी, इसको बोलते हैं बच्चों टैक्स लायबिलिटी। क्या बोलते हैं इसको, टैक्स लायबिलिटी, ओके। एक एग्जांपल और कर लेते हैं बच्चों, जो 80 वाला एक एग्जांपल कर लेते हैं, उसमें थोड़ा बच्चों को अगर कहीं लग रहा हो कि सर 80 में कुछ अलग होगा, तो बच्चों मैं बता देता हूँ 80 में कुछ अलग नहीं होगा, एक बार ही देख लेते हैं। एग्जाम्पल 4, मिस्टर एक्स एज 81 ईयर्स, हिज नेट इनकम इज 8 लाख रुपीस। Compute his tax liability, ठीक है। अब अगर उसकी 8 लाख की इनकम है तो उसकी टैक्स निकालना हो तो कैसे निकालें, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लाइबिलिटी ऑफ मिस्टर एक्स फॉर द असेसमेंट ईयर 21 22, क्योंकि पहले फर्स्ट, अब देखो क्योंकि इनकम 8 लाख रुपए है बट एज 80 प्लस है, रेजिडेंट मान के चल रहे हैं, फर्स्ट 5 लाख तक तो टैक्स ही नहीं है। तो अगर बच्चों इसकी इनकम ही 5 लाख होती तो जीरो होता टैक्स, पर इसकी इनकम 8 लाख है तो 5 लाख तक तो जीरो हो गया। 5 से ऊपर 10 लाख तक, 5 से 10 यानी अगले 5 लाख पर 20% है कि नहीं, बट हम लोग अगले 5 लाख पे क्यों जाएंगे, अगले तो 3 ही बचे। तो नेक्स्ट 3 लाख रुपीज पर टैक्स का रेट है बच्चों 20% विच इज इक्वल टू 6,000 प्लस 6,000 हो गया प्लस हेल्थ एंड एजुकेशन सेस एट द रेट ऑफ 4% विच इज इक्वल टू 240, टैक्स लाइबिलिटी हो गई 6,240। ये हमारी हो जाएगी टैक्स लाइबिलिटी। इज अ क्लियर बच्चों, समझ में आता है? तो ये आज जो हम लोगों ने किया है ना, अभी हम लोगों ने 2-3 चीजें इसके अंदर और करनी है। एक मैं ऑप्शनल वाला जो मेथड है वो अगली क्लास में करवाऊंगा आप लोगों को, विच इज अमेंडमेंट एज पर फाइनेंस एक्ट 2020, ठीक है। बट अभी तक हम लोगों ने जो पढ़ा ये वही रेट्स थे जो हम लोगों ने पहले भी पढ़े होंगे फाइनेंस एक्ट 19 के हिसाब से। अब ऑप्शन वाला क्या चीज़ है वो भी बताऊंगा अगली क्लास में। दूसरा, नेक्स्ट क्लास के अंदर जो जो करने हैं वो वाला मैं आपको लिख दूँ टॉपिक, ऑप्शन वाला केस बताऊंगा। सेकेंड टॉपिक जो मैं करवाऊंगा अगली क्लास में विच विल बी
रिबेट, थर्ड मैं करवाऊंगा सरचार्ज। अब ये क्या चीजें होती हैं ये उसी क्लास में समझेंगे ना बेटा, सारी चीजें आज ही समझना चाहते हो क्या, आज ही बन जाओगे क्या प्रोफेशनल? हाँ तो भाई टाइम देना पड़ता है, आराम आराम से मेहनत करके मजा आएगा। ठीक है, तो अगली क्लास में मिलते हैं बच्चों, आज के लिए इतना ही करते हैं, बाय बाय।